हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकअप गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी कलर बोगनविलिया के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन मल्टी कलर बोगनविलियास के ऊपर ढेरों फ्लावरिंग हो रही है और अलग अलग कलर की फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह की फ्लावरिंग आप भी अपने बोगनविलियास के ऊपर मल्टीपल ग्राफ्टिंग करके पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बोगनविलिया के ऊपर मल्टीपल ग्राफ्टिंग की जाती है। आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन। ये जो बोगनविलिया है, इसके ऊपर हम आपको ग्राफ्टिंग करके बताएंगे। सबसे पहले आप जहाँ पे आपको ग्राफ्ट करना है, वहाँ पे एक शार्प नाइफ से या पेपर कटर से कट लगा दें। अब आप इसे धीरे धीरे छील के थोड़ा सा दूर कर लें, छाल को बाहर निकाल दें। इस तरीके से आप वाइट पार्ट आ जाता है जो कि कैम्बियम है, वहां तक आप इसे हटा लें। दोस्तों, अब बारी आती है ग्राफ्टिंग की। ये एक अलग कलर का बोगनविलिया है और ये कटिंग जो है लगभग मैच्योर हो चुकी है। कुछ इस तरह की कटिंग हमें लेनी है जो हम इस पर आसानी से ग्राफ्ट कर सकें। सबसे पहले हम इसके कांटे हटा देते हैं। अब ये नीचे का जो हिस्सा है, इसे हमें छीलना है और बार्क को रिमूव करना है। अगर आपकी कटिंग सॉफ्ट होगी तो इस तरीके से आप उसे छील नहीं पाएंगे और वो ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल नहीं होगी। पेपर कटर का इस्तेमाल करते समय पूरी सावधानी बरतें। पेपर कटर स्टरलाइज्ड हो, साथ ही साथ आप सावधानी से इसे चलाएं ताकि आप किसी तरह का नुकसान अपने आप को न पहुंचा पाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने हमारी ये जो कटिंग है, इसके दोनों तरफ से छाल को हटा दिया है। वाइट वाइट पार्ट अंदर से नज़र आ रहा है। अब हमने जो स्लॉट बनाया है उसके अंदर हम इसे फिट करेंगे। इस कट को कवर करने के लिए हमारे पास है ग्राफ्टिंग टेप। अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप चाहें तो इस पर पॉलीथीन भी रैप कर सकते हैं। ग्राफ्ट को सक्सेसफुल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर वाटर न लगने दें, इसके ऊपर पानी नहीं लगना चाहिए और इसे हार्श वेदर से आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पिकअप गार्डनिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।